गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं मोहन, आज बात मेरी ज़िंदगी की बहुत ही हसीन और प्यारी सी लम्बी की करूँगा, जो आपको सुनने में ज़रूर पसंद भी आएगी। ये बात मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खास भी है। बात आज से कई साल पहले की है, फिर भी करीब 5-6 साल पहले की। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं आपको पहले ही बता दूँ, देखिए अब मेरे बात सुनने पर बहुत से लोग कहेंगे कि मैं अपना मुँह मियाँ मीठू कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपनी एक सच्ची दास्तां आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब आपको जैसे समझना है आप उसे समझ सकते हो। तो हुआ कुछ यूँ कि उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं देखने में बहुत हैंडसम था और मेरी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। तो ऐसे में एक दो बार मेरे दोस्तों ने कहा, यार तुम्हें तो हर लड़की भाव देगी। ये तो था, मुझे हर लड़की भाव देती थी, लेकिन बात ये थी कि मेरे पास पैसों की काफ़ी तंगी होती। एक बार मेरे दोस्त ने कहा, तू एक काम क्यों नहीं करता, अगर तुझे पैसे कमाने हैं तो एक काम कर, कुछ वो सोशल मीडिया पे रहते हैं ना कि जिसको मतलब जो लाइफ में बोर हो जाता है, अकेले रहता है, वो तुम्हें बुला सकता है, उस तरह का कुछ कर। मैंने कहा, क्या बोल रहा है ये? उसने कहा, हाँ मेरा एक दोस्त भी करता है, अच्छे खासा पैसा कमाता है, मैं तो बस तुझे सजेशन दे रहा था, आगे तेरी मर्जी। ना जाने क्यों मुझे उसकी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगी। मुझे लगा अब ऐसे ही बहुत सी लड़कियाँ मुझ में मरती तो थी, तो क्यों ना ये चीज़ एक बार ट्राई करके देखूं। बस फिर क्या था, एक तो कॉलेज लाइफ, ऊपर से ज़िंदगी की कुछ प्यारी लम्हे, अब ये सारे चीज़ कौन ना चाहता भला। ऐसे में मैंने भी बस कर दिया अपना काम, मोबाइल निकाला, फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे पेजेस तो पहले से रहते थे, और अपना अकाउंट फेसबुक पे बना दिया। उसके बाद क्या, बहुत सारे मैसेज तो आए लेकिन किसी से बात उतनी बड़ी नहीं। कोई एक दो दिन बात करके मना कर देता तो कोई कहता ऐसे ही बस बात करना था, लेकिन इधर कोई इंतज़ाम तो हो नहीं रहा था। ऐसे ही करीब 4 महीने गुजर गए। मुझे लगा मेरा फ्रेंड का ये वाला चीज़ तो काम नहीं किया। खैर मैं एक रेस्टो में उस वक्त काम करने लगा था, उससे कुछ पैसे मिलते, उससे ज़िंदगी सही चल रही थी। तो फिर उसके बाद एक दिन एक दफ़ा मेरे मोबाइल में मेरा फेसबुक आईडी खुला हुआ ही था, मैसेज आया। अब भाई मैसेज आया, उसमें तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। दिल तो मानो वहीं पे पिघल गया, लेकिन दिल को संभाला कि पता नहीं कैसी होगी, बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि पहले भी ऐसी बहुत बार हो चुकी थी, तो बेवजह मुझे बस मैं अपने ख्याली पुलाव बनाता और असल में कुछ मिलता नहीं, इसीलिए मैंने भी इस बार उतनी इंटरेस्ट नहीं ली। लेकिन वो लड़की मुझसे थोड़ा बहुत 2-3 दिन मेरी बात हुई, फिर 2-3 दिन बाद उसने भी मैसेज करना बंद कर दिया। मैं समझ गया कि ये भी वही था, 2 दिन बाद उसके बाद टाटा बाय बाय। मैंने भी अपने लाइफ में फिर से अपना काम निकालना शुरू कर दी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और मैं ये सब भूल गया, करीब 15 दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन अचानक से उस लड़की का मैसेज आया, अब फिर से उसी लड़की का मैसेज आया, तो मेरे दिल में इस बार पता नहीं क्यों कुछ गिटार बजा। मुझे ऐसा मन ही मन लगा कि इस बार जरूर कुछ तो बात हो ही सकती है। मैं उससे बात करने लगा तो वो मुझे कही कि मुझे तुम्हें बुलाना है मेरे घर पे। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप बताइए मुझे कब आना है। उसने मुझे अपना
टाइम बता दिया। मैंने कहा 3 दिन बाद, तो उसने कहा हाँ 3 दिन बाद मेरे पति नहीं रहेंगे तो आना। उस दिन उसने मुझसे बहुत सारी बात की, मानो कि वो बहुत ही अकेली हो, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे भी उससे बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक दो बात मैंने भी उससे पूछी, जैसे कि आपकी शादी कब हुई है। उसने बताया उसकी शादी लगभग 4 महीने पहले हुई है और वो अपने लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। उसके दोस्त ने उसे ये सजेशन दिया तो उसने सोचा इस चीज़ को ट्राई करने का। वाह वाह क्या बात, मेरे भी दोस्त ने मुझे भी यही सजेशन दिया था। मन ही मन तो यही आया, लेकिन उसे मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसे कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा उस दिन। उसके बाद 2 दिन तक मेरी उससे कुछ बात नहीं हुई। मुझे लगा पता नहीं उसे बुलाना भी है या फिर ऐसे ही बात करके चल दी, लेकिन मन में एक आशा थी मेरी कि वो जरूर बुलाएगी। उसके बाद जिस दिन उसे बुलाना था उस दिन उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आ जा रहे हो ना। मैंने कहा जी हाँ, तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा एड्रेस तो बता दीजिए। उसने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब तुम निकलोगे तब मुझे बताना, एड्रेस बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा इतना भी क्या दिक्कत है भाई एड्रेस बताने में। मेरे दिमाग में उस वक्त तक कुछ नहीं आया, मैंने उसे ठीक है तो कह दिया था। उसके बाद मैं करीब 2 घंटे बाद उसका दोबारा कॉल आया। इस बार वो मुझे अपना बोली एक एड्रेस कि यहाँ तक आ जाओ और जब यहाँ पहुँच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मैं निश्चित जगह पे पहुंच गया। पहुंच के उसे मैसेज किया तो उसने कहा कि हाँ अभी तुम्हारे पास एक ब्लैक कलर की गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है। लगभग 10 मिनट हुआ, मेरे पास एक ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी आई। मैं तो उस गाड़ी को देख के सोच रहा था कि पता नहीं मैंने ज़िंदगी में कौन से भले काम किए थे कि मुझे इस गाड़ी में बैठने का मौका मिल गया। दोस्तों सच कह रहा हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत एक ड्रीम कार थी मेरी। उसके बाद वहाँ उस गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी, उसका मुंह पर्दे से ढका हुआ था। मुझे लगा कि होगी कोई। फिर गाड़ी सामने गई और फिर 10 मिनट में घूम के वापस गाड़ी आ गई। मैंने अभी तक उस लड़की से कुछ भी बात नहीं किया था और फिर उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। गाड़ी से उतरकर मैं उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता हुआ आने लगा। करीब अभी हम लोग 3rd फ्लोर पहुँचे, वो एक फ्लैट के अंदर घुस गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता करता उसके फ्लैट के अंदर पहुँच गया। अंदर पहुँचते ही उसने कहा कि गेट लॉक कर दो। मैंने उसके कहे अनुसार गेट लॉक कर दिया और उसके बाद तो मैं चौंक ही गया। आप विश्वास नहीं करोगे, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, मुझे तो लगा कि पता नहीं मैंने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए थे कि इससे मेरी बात होगी और इसने मुझे बुला दिया। वो देखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके साथ घर के अंदर गया तो मैंने उसे एक दो बात पूछ ही डाली, क्योंकि मुझसे मेरे मन में बहुत ही जिज्ञासा थे। पहला कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे बुलाया जबकि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। उसने मुझे बताया कि उसके पति अक्सर बाहर ही रहते हैं, वो 2 दिन के लिए आए थे और 2 दिन बाद फिर बाहर चले गए, अब फिर 4 महीने बाद आएंगे। मैंने उसे कहा ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे उससे कुछ सवाल नहीं करना था। उसके बाद मैं उसके साथ उस घर पे था। आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के 2nd पार्ट का इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपको। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप में इस वीडियो में 500 लाइक कर दिए तो 2nd पार्ट बहुत ही जल्दी आपके सामने पेश हो जाएगा। टिल देन अभी लेती हूँ इस वीडियो से अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।